हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। पिछले की वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में एंड इसे कैसे सीएसएस में यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले की वीडियो में देखी थी। आई होप आप लोगों को वो समझ आई होगी। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है एंड उसमें कोई बॉक्स है, आप उस बॉक्स को रोटेट कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप ट्रांसफॉर्म को यूज करके। आप ट्रांसफॉर्म को यूज करके बॉक्सेस को एनिमेटेड भी बना सकते हो, मीन्स एनिमेशन भी बना सकते हो आप ट्रांसफॉर्म को यूज करके। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है एंड कैसे इसे यूज करके हम कोई भी बॉक्सेस को रोटेट कर सकते हैं या फिर एनिमेटेड कर सकते हैं, मीन्स एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये पिछले वीडियो की कोडिंग है। पिछले वीडियो में क्या बताई थी? ट्रांजिशन। तो मैं इसे क्या करती हूँ, सबसे पहले इरेज कर लेती हूँ। एंड ये रहा हमारा, इसे मैं रहने देती हूँ। बस यहाँ डिव आईडी की जगह मैं क्या यूज करती हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस डिव क्लोज, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, इसे मैं रन करती हूँ सबसे पहले। तो हमारी वेबसाइट कहाँ है? तो डेस्कटॉप पे है, एजुकेशन नाम की फाइल है जिसके अंदर फर्स्ट नाम से हमने सेव कर रखा है। मैं उसे रन कर देती हूँ। वेट, हाँ ये रन हो चुकी है। अभी नॉर्मली हमें कंटेंट सिर्फ दिख रही है क्योंकि मैं अभी इसमें कोई भी डिजाइन यूज नहीं की हूँ। तो मैं अब क्या करूंगी, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगी और इसे डिजाइन करूंगी। तो मैं जाती हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, सबसे पहले मैं डॉट बॉक्स मीन्स बॉक्स को डिजाइन करूंगी। डॉट बॉक्स, बॉक्स क्या है, हमारा क्लास है। एंड इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डालती हूँ, मान लो मैं रेड डाल देती हूँ एंड बॉर्डर डाल देती हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड अब मैं बॉर्डर रेडियस भी डाल देती हूँ, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल ले लेती हूँ, 8 पिक्सल, इसे क्लोज कर देती हूँ। हाइट विड्थ भी डाल देती हूँ, हाइट मैं ले लेती हूँ 400 पिक्सल एंड विड्थ भी 400 पिक्सल ले लेती हूँ, विड्थ 400 पिक्सल एंड इसे कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, अगेन रिफ्रेश करती हूँ साइट को। ये देखिए एक बॉक्सेस बन चुकी है। क्या बन गई है हमारी, एक बॉक्सेस बन चुकी है जिसमें मैं 400 हाइट दी हूँ, 400 विड्थ दी हूँ, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दी हूँ, इसलिए ये कॉर्नर पे थोड़ा सा कर्व है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, कंटेनर को डिजाइन करूँगी। इंटर, एक काम करती हूँ मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ी इंस्पेक्ट में जाऊंगी एंड ये रहा बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर है एंड बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, यहाँ ये कलर सही है। मैं क्या करती हूँ, इसे कॉपी कर लेती हूँ या फिर एक मिनट, इसे मैं क्या करती हूँ कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं क्या करूँगी, यहाँ पेस्ट कर लूँगी जहाँ मैं कलर डाली हूँ बैकग्राउंड, कंट्रोल भी एंड इसे ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक कंट्रोल एस। अब मैं अगेन क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ, इसे हटा देती हूँ एंड रिफ्रेश। ये देखो ये हमारी आ चुकी है, ब्राउनिश टाइप की कलर है एंड ब्लैक। अब कंटेनर को मैं डिजाइन करूँगी, तो डॉट कंटेनर, क्योंकि यहाँ क्लासेस है कंटेनर इसलिए मैं क्या यूज की हूँ डॉट। अगर यहाँ आईडी होती तो मैं क्या यूज करती, हैश। तो मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स डाल देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड टेक्स्ट अलाइगन सेंटर डाल देती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर एंड मैं अब बैकग्राउंड कलर, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ, हाइट डाल देती हूँ, ये सारी चीज़ डाल देती हूँ।
तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर डालती हूँ, बैकग्राउंड कलर, एंड मान लो मैं बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ रेड, एंड कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करती हूँ, ये बैकग्राउंड कलर हो चुकी है, एंड ये मेरी क्या हो चुकी है, ब्राउनिश टाइप का। मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये अच्छी नहीं दिख रही है। बैकग्राउंड कलर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी। ये बैकग्राउंड कलर रेड है, इसे मैं पेस्ट कर दूँगी कंट्रोल एस। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे भी चेंज कर देती हूँ। ये मेरी कलर है, एक मिनट, इंस्पेक्ट, एंड देन इसे मैं चेंज कर देती हूँ। इसे मैं थोड़ा डार्क ले लेती हूँ, ये सही है, इसे कॉपी कर। इस तरीके से आप भी यहाँ जा करके आपको जैसी भी अच्छी दिखी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ कंट्रोल वी। अब देखो मैं साइट को रन करती हूँ, इसे हटा देती हूँ कंट्रोल, देखो रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये मेरी अच्छी दिख रही है। अब क्या करूँगी, इसमें अभी हाइट विड्थ कुछ भी नहीं डाली हुई, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ हाइट विड्थ डालूंगी, विड्थ तो है ही, हाइट डालूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंटेनर हाइट डालूंगी, हाइट मैं ले लेती हूँ 8 VH। तो VH हमारा क्या है, व्यू पोर्ट हाइट है, क्या है, व्यू पोर्ट हाइट है। कंट्रोल एस, अब इसे रिफ्रेश करती हूँ। VH कंट्रोल एस, ये नहीं ले पा रही है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, हाइट ले लेती हूँ 800 पिक्सल, पिक्सल कंट्रोल एस। अब देखो इसे रिफ्रेश कर दी, देखो ये मेरी हाइट दिख रही है 800 पिक्सल, कितनी दिख रही है, 800 पिक्सल मैं ले लेती हूँ। एक बार और मैं ट्राई करती हूँ VH लेने का, अगर वो एक्सेस कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चेंज कर दूँ। नहीं, ये नहीं ले पा रही है, तो मैं एक काम करती हूँ 800 पिक्सल ले लेती हूँ, या फिर 700 पिक्सल ले लेती हूँ, पिक्सल कंट्रोल एस। और मैं यहाँ मार्जिन पैडिंग डाल देती हूँ, ओके। ये हो गया हमारी, कंटेनर को मैं डिजाइन कर दी, बॉक्सेस को भी डिजाइन कर दी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, स्टार, यहाँ मार्जिन पैडिंग 0 डाल देती हूँ, तो मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग 0 पिक्सल, इसे क्लोज कर देती हूँ कंट्रोल एस। अब क्या करती हूँ, मैं डॉट बॉक्स में भी डिस्प्ले फ्लैक्स डाल देती हूँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देती हूँ, ये सारी कुछ इसमें भी डाल देती हूँ। तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स डाल देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर टेक्स्ट एलाइगन भी, ये भी मैं सेंटर डाल देती हूँ, टेक्स्ट एलाइगन, सॉरी सेंटर। ये क्या क्या डाली मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट एलाइगन सेंटर, एंड बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, विड्थ, हाइट, ये सारा कुछ मैं डाल चुकी हूँ। अब मेरे को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म यूज करना है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, ट्रांसफॉर्म यूज करती हूँ, ट्रांसफॉर्म, अभी मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म यूज कर रही हूँ, रोटेट। मान लो मैं रोटेट करना चाहती हूँ 90 डिग्री, तो दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, तो मैं 45 डिग्री की जगह DEG यूज करूँगी, क्या डिग्री की जगह DEG यूज करूँगी, एंड देन कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करती हूँ, देखो ये रोटेट हो चुका है, क्या हुआ है, ये रोटेट हो गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले टॉप में मार्जिन डाल देती हूँ, बॉक्स हो गया, बॉक्स में मैं पैडिंग, पैडिंग टॉप में मैं डालती हूँ 5 पिक्सल, थोड़ा ही डालती हूँ, एक काम करती हूँ मैं 35 ले लेती हूँ। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ, मार्जिन भी ले ही लेती हूँ मैं, मार्जिन टॉप ले लेती हूँ 35, ये भी
पिक्सल कंट्रोल एस, अब इसे फिर से रन करती हूँ। देखो ये मैं मार्जिन ले ली, तो ये हमारा क्या है 45 डिग्री रोटेट हो गया। क्यों? मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ की थी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एल लिखी थी, क्या रोटेट 45 डिग्री, तो यह क्या हो गया हमारा 45 डिग्री रोटेट हो गया। अब मैं जैसे एनिमेटेड में करती थी वैसे यहाँ भी क्या करूँगी, एच ओवर यूज करूँगी, डॉट बॉक्स एंड एच ओवर, एच ओवर एंड एच ओवर में प्रॉपर्टी लगाऊंगी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में मैं रोटेट लिखती हूँ, रोटेट सॉरी रोटेट मैं 45 डिग्री डालती हूँ, 45 डी जी, इसे क्लोज कर देती हूँ एंड इसे मैं क्या करती हूँ कमेंट कर देती हूँ, कमेंट कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, अभी अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो अभी ये जैसे ही ये क्या किया हमारा एनिमेटेड की तरह वर्क कर रहा है, जैसे ही कर्सर इस पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ क्या करती हूँ, डॉट बॉक्स में जाती हूँ एंड यहाँ लिखती हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन यूज क्या कर रही हूँ मैं ट्रांजिशन। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारा चीज एक, ये सारा जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ ऑल 1 सेकेंड ड्यूरेशन एंड इज इन आउट यूज करती हूँ, सॉरी इज इन आउट, ये क्या होगा स्पीड, स्टार्टिंग भी हमारा स्पीड क्या होगा स्लो और हमारा क्या है एंडिंग भी स्लो होगा स्पीड इन आउट, क्या कि मैं ऑल 1 सेकेंड इज इन आउट। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ रन करती हूँ, देखो ड्यूरेशन कितना है 1 सेकेंड और स्पीड क्या हो गया स्लो हो गया क्योंकि इन आउट मैं यूज की थी। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ ट्रांजिशन 360 डाल देती हूँ, सॉरी ट्रांसफॉर्म 360 यूज करती हूँ, कंट्रोल एस एंड इसे क्या करती हूँ मैं अब रिफ्रेश करती हूँ, वेट देखो ये 360 टर्न किया, ये कितना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस तरीके से इसे यूज करके हम अपने वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं इसे रोटेट ही करूँ, इसे चेंज भी कर सकते हो, मीन्स मैं आप लोगों को बस एक बताई कि ट्रांसफॉर्म को यूज करके किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ क्या करती हूँ बॉक्स एच ओवर रोटेट की जगह मैं क्या यूज करती हूँ स्क्यू, एस के ई डब्ल्यू स्क्यू यूज करती हूँ एंड इसे डालती हूँ मैं 40 डिग्री, कितना डालती हूँ मैं 40 डिग्री, कंट्रोल एस एंड रन करती हूँ पहले मैं, देखो ये स्क्यू बन गया। इस तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल यूज करती हूँ, स्केल हमारा 3 टाइम्स होगा, सॉरी 3 हो जाएगा एंड इसे मैं क्लोज करती हूँ। अब देखो फिर से मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, देखो ये कैसा हो गया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ क्या यूज़ की हूँ स्केल यूज़ की हूँ। अगर मैं यहाँ स्केल इसे कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ मैं स्केल क्या यूज़ करती हूँ 2 यूज़ करती हूँ, ट्रांसफॉर्म मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल एस और यहाँ 3 के बजाय मैं सॉरी 2 यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करूँगी 2, इसे क्लोज कंट्रोल एस। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, 2 हुआ तो थोड़ा कम हो गया, 3 में क्या था आपका पूरा स्क्रीन ले रहा था। तो इस तरीके से आप स्केल यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हैं स्केल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पूरा को कमेंट कर देती हूँ, इट एंड ये भी मैं कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ क्या यूज़ करती हूँ बॉक्स एच ओवर में मैं क्या यूज़ करूँगी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, तो ट्रांसलेट मैं एक्स एक्सिस में डालती हूँ, एक्स एक्सिस में मान लो मैं 123 पिक्सल डालती हूँ एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस कंट्रोल एस। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो ये क्या एक्स एक्सिस के साइड थोड़ा सा क्या मूव कर गया,
तो ये क्या हमारा एनिमेशन की तरह वर्क कर रहा है। एनिमेशन में क्या था, ऐसे ही था जैसे अभी दिख रहा है। इस तरीके से आप वाई एक्सिस भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म सॉरी ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई एक्सिस में, मैं वाई एक्सिस में भी 123 पिक्सल यूज करती हूँ। कंट्रोल एस, अब देखो इसे रिप्लेस करती हूँ मैं, ये हमारा क्या वाई एक्सिस में कर रहा है, क्या कर रहा है वाई एक्सिस में कर रहा है। तो ये क्या किया, पहले वाले को ओवरलेप कर दिया। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, स्टार एंड कमेंट कर दी। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेट मैं क्या करती हूँ 123 पिक्सल एंड 123 पिक्सल, यहाँ मैं कोमा डालती हूँ, कंट्रोल एस। अब इसे क्या करती हूँ, मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, क्योंकि मैं एक्स और वाई एक्सिस दोनों ली हूँ इसलिए। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एनिमेशन की तरह वर्क भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, स्क्यू भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके अपने वेबसाइट की बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो एक तरह से कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्म आपका एनिमेशन का भी वर्क कर रहा है और खुद अपना भी वर्क कर रहा है, मीन्स रोटेट भी कर रहा है, ये एनिमेटेड भी कर रहा है। तो ये था आपका क्या, ट्रांसफॉर्म। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किस तरह से यूज किए जाते हैं एक वेबसाइट में एंड सीएसएस में, इसे कैसे लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को बताई। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।